मैंने कुछ दिन पहले इस चैनल पे बताया था आप लोगों की रिव्यूअर्स को हुआवे की तरफ से एक नए फोन के डिब्बे मतलब एक नया फोन रिव्यू यूनिट के तौर पे मिल रहा है। तो वो फोन ऑनर 9 लाइट नहीं था, वो फोन था हुआवे का अपना ऑनर व्यू 10। तो हुआवे बहुत ही जल्द ऑनर व्यू 10 का सेल स्टार्ट करने वाला है इंडिया के अंदर। डेट जो है दोस्तों वो है 5th जनवरी। तो 5th जनवरी से आप इस हुआवे ऑनर व्यू 10 को परचेज कर सकते हैं। लेकिन क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस के आसपास ये हुआवे ऑनर व्यू 10 लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए यही सब सवाल के आंसर मतलब जवाब जानने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से आप लोगों को पता है मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा तभी मैं आप लोगों तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। और अगर लाइक नहीं करेंगे तो आप लोगों को फाइन देना पड़ेगा, और अगर फाइन नहीं देना चाहते हैं तो लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना हुआवे ऑनर व्यू 10 दोस्तों शायद से 5th दिसंबर को लॉन्च किया था, शायद से, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन 5th दिसंबर को ग्लोबली लॉन्च किया था हुआवे ने ऑनर 7X के साथ साथ, मतलब ऑनर 7X के इंडिया लॉन्च के साथ साथ। तो इसको लॉन्च किया था दोस्तों हुआवे ने अपना व्यू 10, जो कि है एक AI पावर्ड डिवाइस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिवाइस। तो आप लोगों को यहाँ पे काफी सारे जो है AI वाले चीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को फेस आईडी देखने को मिलता है और एनिमोजी मिलता है और भी काफ़ी कूल चीज़ें मिल जाते हैं जो कि AI बेस्ड हैं। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आप लोगों के पास फ़ोन होने वाला है। पहले बता दें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलता है, जल्दी से बता दूंगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल रख के, क्योंकि आप लोग फिर बोलेंगे कि फास्ट क्यों बोल रहे हो, फिर आप लोगों को वीडियो का जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा यूट्यूब पे, तो ये ना करना पड़े इसीलिए मैं आप लोगों को कंट्रोल रख के थोड़ा स्पेसिफिकेशंस पहले बता देता हूं आप लोगों को क्या कुछ मिलता है इस हुआवे ऑनर व्यू 10 में। हुआवे ऑनर व्यू 10 में आप लोगों को मिलता है दोस्तों 5.99 इंचेस का एक IPS LCD स्क्रीन फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि आप लोगों को रेजोल्यूशन मिलता है 1080x2160 pixels का। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो आप लोगों को मिलता है 18:9 का। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है दोस्तों वो है 78.6 या फिर 78.5% ऐसा कुछ है। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों को बेजल्स कितने मिलेंगे। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जितना ज्यादा होगा बेजल्स उतने कम होंगे। तो यहां पे 78.6% काफी एक अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो बेजल्स आप लोगों को कम मिलते हैं। और बेजल्स कम होने के साथ साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी सामने दिया गया है, इसके लिए हैट्स ऑफ हुआवे को, हालांकि हैट्स नहीं है फिर भी ऑफ, हैट्स ऑफ हुआवे को, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर आप देखो बेजल लेस डिजाइन है। तो मतलब कंपनी जो क्या करते हैं, जैसे वन प्लस को पकड़ लो, वन प्लस 5 में आप लोगों को सामने में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा था, तो बेजल लेस बनाने के लिए मतलब बेजल्स कम करने के लिए कंपनी क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर को पीछे कर देते हैं फोन के पीछे। तो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मुझे लगता है फिंगरप्रिंट स्कैनर का फ्रंट में। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोग किस चीज़ से खुश रहते हैं, फ्रंट में फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर विदाउट फिंगरप्रिंट स्कैनर। मुझे फ्रंट में अच्छा लगता है, क्यों पहले बता दे। फोन सपोज पकड़ लीजिए, यहाँ पे फोन ऐसा रखा है, अब मुझे फोन को अनलॉक करना है, उसके बाद उस पर कुछ देखना है, उसके बाद फिर बंद कर देना है। तो मैं ऐसे फिंगरप्रिंट अपना दूंगा, फोन अनलॉक हुआ देखूंगा, उसके बाद जो है काम मेरा बन जाएगा। लेकिन पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर रहने से फोन उठाओ फिर ऐसा करो, और फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर ना ही रहे तो आप लोगों को ऐसे उठ के फेस दिखाना पड़ेगा या फिर फोन को ऐसा करके फेस दिखाना पड़ेगा, मैं फेस आईडी की बात कर रहा हूँ उसके बाद। तो इसीलिए मुझे बेस्ट प्लेस लगता है फिंगरप्रिंट स्कैनर का सामने में। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में आपका राय जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पे बात करें दोस्तों सॉफ्टवेयर की, तो ये हुआवे ऑनर व्यू 10 आता है दोस्तों एंड्रॉइड ओरियो 8.0 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसके ऊपर आप लोगों को मिलता है इमोशन UI 8.0 का सपोर्ट। ऑनर 7X ऑनर 9i में हम लोगों को देखने को मिलता था इमोशन UI 5.1 का सपोर्ट, जो कि एंड्रॉइड नोगट के साथ आता था। यहाँ पे आप लोगों को इमोशन UI 8.0 देखने को मिलता है। बता दें इमोशन UI दोस्तों हुआवे का अपना कस्टम UI है, जैसे कि शाओमी का MI UI है, वैसे ही आप लोगों को हुआवे का अपना इमोशन UI देखने को मिलता है काफी सारे कस्टमाइजेशंस के साथ, शाओमी की तरह ही, मतलब डुअल एप्स कर पाएंगे या ऐप लॉक्स कर पाएंगे, और भी काफी सारे यहाँ पे कस्टमाइजेशंस मिलते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होते हैं। तो इमोशन UI शायद से आप लोगों को काफी पसंद आएंगे, काफी रिस्पॉन्सिव भी है, मैंने यूज करके भी देखा है इमोशन UI, काफी अच्छा UI मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में फिर से बताइएगा आपके फेवरेट UI का नाम, इमोशन UI, MI UI, ऑक्सीजन OS, फन टच OS, वाइब UI, जो भी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर बात करें प्रोसेसर की, तो ये डिवाइस आता है दोस्तों हुआवे का अपना फ्लैगशिप ग्रेड चिप के साथ, हुआवे का अभी तक का सबसे बेस्ट चिप जो है दोस्तों हाई सिलिकन किरिन 970 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे
प्रोसेसर के बारे में अगर थोड़ा बताए तो यहाँ पे 8 कोर्स मिलते हैं, जिनमें से 4 कोर्स बने हैं कॉर्टेक्स A73 आर्किटेक्चर के ऊपर, जहाँ पे क्लॉक स्पीड आप लोगों को मिल जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक की। बाकी के 4 कोर्स जो है दोस्तों वो बने हैं कॉर्टेक्स A53 आर्किटेक्चर के ऊपर, और यहाँ पे आप लोगों को क्लॉक स्पीड मिल जाता है दोस्तों 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की। तो ये कुछ आप लोगों को मिलता है हाई सिलिकन क्रीन 970 ऑक्टाकोर प्रोसेसर में। जीपीयू की अगर बात करें तो ये ऑनर व्यू 10 में आप लोगों को मिलता है दोस्तों माली G72 जीपीयू। और अगर बात करें यहाँ पे रैम इनबिल्ट स्टोरेज की, तो यहाँ पे आप लोगों को 4GB रैम का भी ऑप्शन मिल जाता है, 6GB का भी ऑप्शन मिल जाता है। स्टोरेज की अगर बात करें तो 2 वेरिएंट आप लोग को स्टोरेज मिल जाता है, 64GB का, 128GB का। यहाँ पे आप लोग माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, यानी कि आप लोगों को सिम स्लॉट का जो सेकेंड सिम का जो स्लॉट है उसको यूज़ करना पड़ेगा एज अ मेमोरी कार्ड स्लॉट। तो आप लोग एक साथ 2 सिम फिर एक मेमोरी कार्ड, 3 एक साथ नहीं लगा पाएंगे, आप लोगों को कनेक्टिविटी में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र है यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल रहा है, जबकि वन प्लस 5T में मिलता ही नहीं है माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट। ठीक है, 64GB एंड 128GB के साथ माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट के साथ मतलब उतना कुछ इशू नहीं रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा, फ्लैगशिप हो, बजट हो या फिर कुछ भी हो, फोन्स में कैमरा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि बनेगा ही यार, क्योंकि इतने अच्छे कैमरास आते हैं फ़ोन के अंदर। मतलब आदमी सोचेगा ही कि मेरे भी फ़ोन में थोड़ा अच्छा कैमरा मिल जाए। तो कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा डुअल रियर कैमरा के साथ ही आएगा, अगर डुअल रियर कैमरा के साथ नहीं आएगा तो क्या मतलब क्या होगा मतलब। तो डुअल रियर कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है दोस्तों 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जहाँ पे F1.8 का अपर्चर देखने को मिल जाता है, ये है दोस्तों RGB सेंसर। सेकेंडरी की अगर बात करें तो ये आप लोगों को मिलता है दोस्तों 20 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, वही F1.8 अपर्चर के साथ, जहाँ पे आप लोगों को मतलब ये एक मोनोक्रोम सेंसर है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेटअप कुछ मिलता है RGB प्लस मोनोक्रोम, जबकि पिछले Huawei डिवाइसेस में हम लोगों को डेप्थ सेंसर देखने को मिलता था नॉर्मल सेंसर के साथ, तो यहाँ पे Huawei ने थोड़ा चेंज किया है। तो ये जो रियर कैमरा है दोस्तों, ये रियर कैमरा से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में, कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस Huawei Honor View 10 में। अब आप बताएंगे मैं कैसे बोल रहा हूँ लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा होगा नहीं होगा, जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं मतलब फॉरेन चैनल्स पर रिव्यूज आ चुके हैं इसके, जितने भी रिव्यूज देखे हैं या फिर हैंड्स ऑन क्विक रिव्यूज देखे हैं, सभी में पिक्चर क्वालिटी देख के लगा यार काफी अच्छा मतलब कैमरा है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को रियर में कोई स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब EIS या फिर OIS नहीं मिलता है। EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, एंड OIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि OnePlus 5T में मिलता है आप लोगों को। फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को मिलता है दोस्तों 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा F2.0 अपर्चर के साथ, फ्रंट में कोई फ्लैश नहीं मिलता है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है दोस्तों 3750 mAh की बैटरी, जहाँ पे आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये फास्ट चार्जिंग है Huawei का अपना Huawei सुपर पावर सुपर चार्ज, 1 मिनट हाँ तो कंफर्म हो गया मैं, मतलब बिना कंफर्म किए कैसे बता सकता हूँ यार, थोड़ा माइंड से निकल गया था। ये आता है दोस्तों Huawei का अपना सुपर चार्ज के साथ, मतलब फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है Huawei का अपना। यहाँ पे ये क्लेम करता है दोस्तों ये आप लोगों को बैटरी चार्ज करके देगा 58% तक का 30 मिनट में, तो काफ़ी अच्छी एक बात है यहाँ पे इस Huawei Honor View 10 में। यहाँ पे दोस्तों आपको USB टाइप सी मिल जाता है, AI वाले कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे लॉन्च इवेंट मैंने देखा था 5 दिसंबर को, तो यहाँ पे बोल रहे थे कि आप मतलब जैसे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपका फ़ोन का ऑटो रोटेशन ऑन है, अब आप जब सो जाते हैं ऐसा करके तो फ़ोन ऐसा यूज़ कर रहे हैं, ऑटो रोटेशन ऑन होने के कारण आपका स्क्रीन का सब रोटेट हो जाता है, बल्कि आप लोगों को रोटेट नहीं चाहिए, आप जस्ट मतलब सो के हैं तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो एक अनोइंग चीज़ होता है हमारे साथ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऑटो रोटेशन को ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद जो है हम लोग सो के भी ऐसे फ़ोन को यूज़ कर पाते हैं। तो Huawei ने यहाँ पे जो है बताया है कि आप अगर सो के भी इसको यूज़ करेंगे और ऑटो रोटेशन अगर ऑन भी रहे तो भी ये जो है रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके फेस को ट्रैक करता है, फेस के पोजीशन को ट्रैक करेगा, उसके बाद जो है ये अपना रोटेशन चेंज करे या फिर नहीं करे वो आपके फेस के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हालांकि बहुत छोटी बात है, मतलब गौर करने वाली बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बात को अगर पकड़ के उसको सुधारा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। Huawei को इस काम के लिए काफ़ी अच्छा नंबर मिलना चाहिए, मतलब
कलर वेरिएंट की अगर बात करें तो ये Huawei Honor View 10 आता है दोस्तों बहुत सारे कलर वेरिएंट में। यहाँ पे है नेवी ब्लू, अरोरा ब्लू, मिडनाइट ब्लैक, बीच गोल्ड, चार्म रेड। हाँ, पांच कलर वेरिएंट्स में यहाँ पे आता है ये Honor View 10। देखते हैं दोस्तों इंडिया में क्या कुछ कलर वेरिएंट्स के साथ आता है। अब आते हैं दोस्तों प्राइस के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज्यादा हाइप था, क्या हो सकता है इसका प्राइस। यहाँ पे दोस्तों Honor View 10 का प्राइस होगा 30,000 से 35,000 के बीच में। जो भी वेरिएंट अवेलेबल है दोस्तों सभी वेरिएंट 30,000 से 35,000 के आसपास में आएगा। Honor 8 Pro पिछले साल नहीं यही साल 2017 में लॉन्च हुआ था दोस्तों 29,999 रुपीज़ या फिर 28,000 एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसे कुछ प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था दोस्तों OnePlus 5 को टक्कर देने के लिए। अब OnePlus 5T लॉन्च हुआ है तो ये Huawei दोस्तों कंपनी क्या किया है, Huawei View 10 इंडिया के अंदर लाएगा OnePlus 5T को टक्कर देने के लिए और प्राइस जो है दोस्तों वो रखेंगे 30,000 से लेके 35,000 के आसपास या फिर उससे भी कम। अगर उससे कम रखे तो काफ़ी अच्छा बात हो सकता है। यहाँ पे बता दे दोस्तों Honor 8 Pro डिस्काउंट में अभी चल रहा है Amazon एंड Flipkart पे, अगर आप परचेस करने का सोच रहे हैं तो मत परचेस कीजिए Honor View 10 का, वेट कीजिए थोड़ा और पैसा लगा के आप Honor View 10 परचेस कर लीजिएगा। डिस्काउंट की अगर बात करें तो आप लोग को 4,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा Amazon या फिर Flipkart पे। आज शायद मैंने देखा था डिस्काउंट, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे मैंने डिस्काउंट देखा था 4,000 का Honor 8 Pro का। तो शायद से इसी प्राइस रेंज मतलब 29,000, 30,000, 35,000 ऐसे बीच में आप लोग को ये Huawei View 10 देखने को मिल सकता है। क्या लगता है आप लोगों को ये Huawei View 10 इस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ तो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हम लोग करने वाले हैं दोस्तों स्मार्टफोन अवार्ड्स 2017। हम लोग बेसिकली स्मार्टफोन्स को अवार्ड्स देंगे, मतलब अलग अलग का डिपार्टमेंट में, डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में, सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में, हार्डवेयर के डिपार्टमेंट में, ओवरऑल सभी जो है दोस्तों इनोवेटिव ऐसे कुछ जो है दोस्तों अवार्ड्स देंगे स्मार्टफोन अवार्ड्स 2017। नाम रखेंगे दोस्तों फॉर स्मार्टफोन लवर्स अवार्ड्स 2017। तो ऐसा कुछ अवार्ड्स का एक वीडियो आने वाला है दोस्तों। अब अवार्ड्स जो है दोस्तों वो अलग अलग कैटेगरी में स्मार्टफोन्स को देंगे, वो स्मार्टफोन्स मैं नहीं चूज करूंगा, वो स्मार्टफोन्स हम सभी मिलकर चूज करेंगे या फिर यानी कि आप ही चूज करेंगे। तो आपको भी यहाँ भी मौका मिलता है वोट देने का, तो वेट कीजिए उस वीडियो का, शायद से इस वीडियो के एक दिन बाद वो वीडियो आ जाएगा जिस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा जहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे आपको वोट देना है स्मार्टफोन्स को अलग अलग कैटेगरीज में। तो जो है उसके बाद मैं 28th को या फिर 29th को आऊंगा और एक वीडियो को लेके जहां पे फाइनल डिसीजन रहेंगे, मेरे नहीं रहेंगे ऑप्शंस, हम सभी मिलके जो है दोस्तों जिस स्मार्टफोन को चूज करेंगे वो स्मार्टफोन को हम लोग अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग चीज़ में अवार्ड्स देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम सभी जो अपना सोच मिला के स्मार्टफोन्स को अवार्ड देंगे। देखेंगे दोस्तों किसका सोच कैसा है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्तों वहाँ पे सारे डिटेल्स दे दूंगा, हालांकि मतलब मैं आप लोगों को वहाँ पे अवार्ड्स के नॉमिनीज दूंगा जैसे बड़े बड़े अवार्ड शोज में होते हैं, नॉमिनीज दूंगा, मतलब डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में ये ऑप्शंस हैं अब आप लोग वोट दीजिए, सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है ये ऑप्शंस आप लोगों के पास है, इनमें से कौन सा अच्छा है अब आप वोट दीजिए, ऐसे करके जो है नॉमिनीज रहेंगे। तो आप लोग शायद से इंटरेस्टेड रहेंगे, अगर इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मुझे ऐसा स्मार्टफोन अवार्ड्स करना चाहिए, क्या ये इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए, रहेगा कि नहीं रहेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी को, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब कर चुके तो बेल आइकन को दबा ही दीजिए यार, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के, और बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा बहुत ही जल्द, चिंता मत कीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।